So requirement help to specification standardization is a major initiative by the government of India on the JM. वो होना चाहिए एक टेम्पलेट के बाद आपका प्रोडक्ट होना चाहिए इसलिए अभी टाइम लग रहा है बट दिस विल योर एंड आपका जो पॉइंट है योर दैट सेम पॉइंट वाज रेज्ड इन द अपोलो इंडस्ट्रीज एसोसिएशन तो जैसे आपने बोला ना 15-15 दिन लगते हैं कुछ करते हैं पहले आपको भी ऐसे लगता था अब हम लोग प्रोडक्ट 10 मिनट में ला देते हैं उसका आई टेल यू द ट्रिक हाउ टू डू इट आपका जो प्रोडक्ट जब आपने बिड में देखा जो स्पेसिफिकेशन लिखा है 10 मिनट की मेहनत जरूर लगती है बट सेम टू सेम कॉपी पैरामीटर्स में आप अपलोड करिए और सेकेंड ट्रिक है उसमें आप उसे बिड नंबर डालिए इफ यू ऐड दैट बिड नंबर जैसे 8162 की बिड है 50 टेबल की है और पैरामीटर मेरे पास आ रहे हैं तो आप जब प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं जैसे आपने प्रोडक्ट अपलोड किया तो सारे पैरामीटर एग्जैक्ट कॉपी डालिए और जहाँ बिड नंबर आता है वहाँ बिड नंबर डालिए जैसे आप बिड नंबर डालेंगे आपका प्रोडक्ट मैक्स टू मैक्स एक दिन के अंदर आ जाता है पब्लिश होता या हमारे साथ तो 30 मिनट में आया और इनकेस कभी रुक गया आई एम टेलिंग यू अगर इनकेस आपको लगता है कि मेरी कल की बिड है और अभी तक प्रोडक्ट पब्लिश नहीं हुआ आप हेल्प डेस्क को फोन करिए और उसको बोलिए मेरी ये बिड नंबर है और ये प्रोडक्ट है इसको आप पब्लिश करिए विद इन 10 मिनट्स आपका प्रोडक्ट पब्लिश हो जाता है क्या बात आई हैव डन और अगर आपको लग रहा है कि भैया एक घंटा बचा हुआ है और अभी तक प्रोडक्ट पब्लिश नहीं हुआ कॉल भी हेल्प है मेरा बिड है एक घंटे में 10 मिनट के अंदर पब्लिश हो जाता है हमारा एक्सपीरियंस अलग है आज सुबह मैं डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेता अभी हमारे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं बोले इसमें बस आपको इतना वर्ड टू वर्ड आप डालोगे ना वर्ड टू वर्ड मतलब एक वर्ड की इधर उधर नहीं होना चाहिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको वर्ड टू वर्ड एंड सेकेंड इज बिग नंबर अगर मेरा प्रोडक्ट नहीं है तो आपको उसका स्पेसिफिकेशन दिखता है जो बायर ने डाला हुआ है बायर का स्पेसिफिकेशन देखना आपको फिर बायर ने जो भी स्पेसिफिकेशन दिया उसका स्क्रीनशॉट लिया अब आप अपना प्रोडक्ट अपलोड करो विद दो स्पेसिफिकेशन Are you getting my point? No, आप बिट कैसे करोगे उसको आप कैसे बिट करोगे अगर 2-4-5 इधर उधर है तो आप बना के तो दे सकते हैं ना मैन्युफैक्चरर दो टेबल का ऑर्डर है स्पेसिफिकेशन तो थोड़ा अलग है तो बना के दे सकता हूँ जैसे आप अगर आप ट्रेडर भी हो तो आप किसी ना किसी से तो बाय कर रहे हैं जैसे अगर मेरा कोई डीलर है वो मुझसे टेबल लेता है या तो मतलब चेयर लेता है चेयर का डायमेंशन उसने बोला 550 mm चाहिए मतलब 20 इंच की चेयर चाहिए मेरी 18 इंच की चेयर बनती है अगर फिर साइज 18x18 उससे 20x20 मांगा तो बना के मिल जाती है एज अ ट्रेडर ऑल्सो आप अपलोड कर सकते हो उसको बस ये स्पेसिफिकेशन वर्ड टू वर्ड बनता है एक लाइव करके आपको दिखाइए कि इसमें प्रोडक्ट आप पैसा अपलोड कर सकते हैं सर्विसेज क्या है रिवर्स ऑप्शन में बहुत सिंपल तरीका मैं इसकी बता रही हूँ रिवर्स ऑप्शन में आपके पास टाइमिंग दिखता रहता है 3 घंटे 10 मिनट या 2 दिन 10 घंटे ये दिखता है 15 मिनट पहले आप वो उस पर जैसे आपको दिखता रहेगा एल वन मतलब 10,000 की चेयर लगी हुई है तो आप 10 दिन बचे हुए उसको आप 9,800 डाल के छोड़ सकते हो उसको फिर आप खोल के देखोगे तो पता चलेगा किसी ने 8,800 डाल दी है और उसमें वो लोग स्लैब देते हैं 100 रुपये कम कर सकते हैं 200 रुपये परसेंटेज पे कम कर सकते हैं तो आपका कैसा कम करना है अब जब लास्ट
जब बिड खत्म होने वाली है उसके 15 मिनट पहले तक जैसे आपने बिडिंग की L1 के लिए जैसे आपको दिखा वो 7,800 में आना है, आपने बिड कर दी 7,500 में, तो वो बिड एक्सटेंड हो जाती है 15 मिनट के लिए। फिर 15 मिनट के लिए जैसे आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपने देखा 7,500 आपने डाला 7,400, फिर वो 15 मिनट के लिए एक्सटेंड हो जाएगी। फिर मैं पार्टिसिपेट तो वो बिडिंग चालू है कंटिन्यूसली, ऑक्शन चालू है, फिर जो लाभ इसमें वो मैम ने तो प्रैक्टिकल बताया कि रिवर्स ऑप्शन क्या चीज है कि गवर्नमेंट बायर को भी द सेम क्वालिटी और गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिनिमम प्राइस में मिलना चाहिए, कॉम्पिटेटिव प्राइस में मिलना चाहिए। इसलिए क्या होता है ऑप्शन होता है, ऑप्शन तो आपको पता है मार्केट में कि ये पेन का मेरे को ऑप्शन करना है, तो जो मैक्सिमम आप बोलते हैं ना जिसको ज्यादा प्राइस देगा H1 उसको हम वो ऑप्शन दे देंगे। तो या कम टाइम मेरा ऑप्शन अभी स्टार्ट हो रहा है और देन फाइनली इतने बजे क्लोज होगा, जितने भी पार्टिसिपेंट है जिसमें से देन 1, 2, 3, 4 फाइनली क्लोज होगा। इट्स सिमिलरली इट्स रिवर्स ऑप्शन, रिवर्स ऑप्शन इज अ टूल, इट्स जस्ट लाइक अ निगोशिएशन, दैट निगोशिएशन अवेलेबल विद द गवर्नमेंट बायर। नॉर्मली गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में मैंने आपको बताया कि देर आर टेक्निक्स, आप कुछ भी ये है ना, देर आर सम लाइक लॉजिक बिहाइंड दैट एंड इट इज अ रिटर्न डाउन, इट्स द रूल्स एंड ऑल अदर थिंग्स आर रिटर्न डाउन बाय द गवर्नमेंट। एक क्या होता है कि कोई भी एक गुड्स का प्रोक्योरमेंट करना है तो गवर्नमेंट को पहले इसका मार्केट का स्टडी करना चाहिए एंड मार्केट स्टडी करके इस्टिमेटेड इसका प्राइस फाइंड आउट करना चाहिए कि इस्टिमेटेड प्राइस इतना है, इस्टिमेटेड प्राइस में फिर मेरा क्वांटिटी कितना होगा और देन बिड वैल्यू कितना होगा वो डिसाइड करना है दैट प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। अगर ए एस्टिमेटेड प्राइस पे सपोज है बिडिंग प्रोसेस करके मेरा प्राइस एज पर द स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी मेरा प्राइस अगर 10% एस्टिमेटेड प्राइस से ज्यादा है या 20% लेस है तो देन आई कैन गो फॉर अ निगोशिएशन विथ L1 बिडर। कि अगर ज्यादा है तो आपको पता होगा निगोशिएट करते, बट द निगोशिएशन इज अगेन ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड देन अगेन देयर विल बी अ चांसेस ऑफ करप्शन एंड जो भी इश्यूज है बिकॉज ह्यूमन इंटरफेरेंस हो जाता है। तो रिवर्स ऑप्शन इज अ टूल फॉर निगोशिएशन एंड वो टूल प्रोवाइड करता है कि जो टेक्निकली क्वालिफाई हुए थे बिडर ऑन द सिस्टम उनको अगेन सिस्टम अलर्ट जाएगा कि दिस बिड इज केप्ट फॉर रिवर्स ऑप्शन विद दिस L1 वैल्यू। जो L1 आया था उसका वैल्यू डिस्प्ले होगा एंड देन आपको पता होगा कि दिस बिड इज ओपन फॉर रिवर्स ऑप्शन फॉर अनदर 3 डेज विद डिक्रीमेंटल ऑफ दिस मच परसेंटेज या डिक्रीमेंटल ऑफ 100 रुपीज जो भी है। मेरी बिड वैल्यू सपोज जो भी मेरी वैल्यू थी एक की, एक मेरे को कंप्यूटर डेस्कटॉप परचेज करना था उसकी मेरे को L1 प्राइस आई थी, करीब कुछ 20 बिडर्स उसमें आए थे उसकी L1 प्राइस आई थी 40,000 रुपीज। देन आई स्टार्टेड सम डिक्रीमेंटल बाय 0.1% या 1%, 400 रुपया कम होना चाहिए ये मेरा ऑप्शन था एंड इट इज ओपन फॉर अनदर 3 डेज। तो मैम बोल रही थी कि जैसा जो भी बिडर डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी उसका पता चलेगा कि लोकेशन कहाँ है, कितना सप्लाई करना है, कितनी क्वांटिटी है, सो इट डिपेंड्स ऑन द सेलर कि उसका लॉजिस्टिक क्या है, उसको कौन से प्राइस में वो प्रोडक्ट ऑफर कर सकता है। सो देन वो सब बायर्स आएंगे एंड दे विल कोट फॉर दैट एंड फाइनली जो टाइम कम रहेगा तभी वो 15 मिनट्स में अगर कोई हिट किया तो देन अगेन इट विल बी एक्सटेंडेड अनदर फॉर 3 times एंड देन दैट बिड्स विल बी फ्रीज। So this is again the opportunity for the seller to participate in a reverse auction. There was one tender floated by UP government on this JM portal and that tender for purchase of 900 ambulance at a time. So unka specification tha, sab kuch ho gaya, kuch 20 buyers usme sellers participate hue. Then government ko laga ki if I purchasing the 900 I should get some discount. उनको भी होना चाहिए ना, आप अगर एक लेते हैं तो बोलते हैं आप एक के ऊपर एक फ्री दो, मार्केट में भी जाते हैं तो एक सब्जी दो ये नहीं उसके ऊपर एक और एक सब्जी का वो ये होना चाहिए। तो डेफिनेटली दे शुड हैव अ राइट फॉर कॉम्पिटेटिव प्राइस, सो दे स्टार्टेड अ रिवर्स ऑप्शन एंड फाइनली द टाटा मोटर इटसेल्फ दे केम इन अ दैट पर्टिकुलर रिवर्स ऑप्शन एंड दे हैव गिवन अ डिस्काउंट ऑफ ऑलमोस्ट 94,000 रुपीज पर एम्बुलेंस पर व्हीकल। सो उसका जो MRP था उससे लेस प्राइस टाटा मोटर खुद दे दिए, सो दे हैव लाइक 900 व्हीकल तो उनका 2 महीने का प्रोडक्शन हो गया।
तो डिपेंड्स ना क्वांटिटी क्या है क्वांटम क्या है प्रोडक्शन वैल्यू क्या है सो इट इज अ टूल अवेलेबल टू गवर्नमेंट बट आपके पास भी वो दैट टूल है डैशबोर्ड है यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट मिनिमम इतना वैल्यू के बाद में रिवर्स ऑप्शन होगा या कोई भी वैल्यू में रिवर्स नहीं नहीं इट डिपेंड अगर वो जो बिड है उसमें कितना क्वांटम है क्या वैल्यू है और उसको क्या प्राइस ऑफर हुआ है अगर ऑफिसर जो परचेस कर रहा है बायर उसको लगता है कि नो आई शुड गेट सम फेयर प्राइस दिस द L1 प्राइस मेरे को जो मिला हुआ है अगर मेरे को लगता है कि मार्केट में और चीपर प्राइस है तो दे कैन गो फॉर अ रिवर्स ऑप्शन ना कोई लिमिट नहीं है देयर इज नो एनी लिमिट बट मैंने जो लिमिट बोला था वो 50,000 तक डायरेक्ट परचेस है उसमें आपको कोई रिवर्स ऑप्शन नहीं मिलेगा या 50,000 से 3,00,000 तक जो है वो L1 से मिलेगा वो भी आपको मिल सकता है ये छोटा छोटा ऑर्डर रहेगा उसको रिवर्स बट आफ्टर 3,00,000 ये स्टेट गवर्नमेंट का लिमिट है सेंट्रल गवर्नमेंट का लिमिट है आफ्टर 30,00,000 सो स्टेट गवर्नमेंट में 3,00,000 के ऊपर बिड्स है यानी ई बिडिंग होता है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में 30,00,000 सो दीज आर द लिमिट्स मैडम इट सर्विसेज पे आई एम कपिल माहेश्वरी आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट ये लास्ट ईयर भी हमारे इंस्टीट्यूट में प्रोग्राम हुआ था GEM का पर बहुत डिटेल में नहीं था थोड़ा सा सर्विसेज पे अगर यू कैन फोकस टू योर बिजनेस कंसल्टेंट फॉर कंपनी अलग से प्रोग्राम के लिए कर लेंगे बट वी कैन शो द वन टाइप ऑफ सर्विसेज है बेसिकली क्या सर्विस पे हम आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं राइट वहां पे आपको सर्विसेज चूज करना है और आप वाली जो सर्विस है वहां पे अवेलेबल रहेगी वो चूज हो सर्विस है जो भी अवेलेबल है देखिए जब स्टार्ट हुआ था तभी दो ही सर्विसेज थे खाली डिजिटाइजेशन एंड हाउसकीपिंग नाउ The government has added 25 services. अभी vehicle rental का भी देखिए vehicle rental को कोई office में एक साल में लगता है कोई एक महीने में लगता है कोई एक दिन का लगता है Now they have provided the services on trip basis also, just like Ola. I can do इतना fast है वो मेरे को 2 मिनट में करके आप कहीं के लिए वो ये चीज़ क्या है सर मेरी एक question है सी अंडर PSC क्या होते हैं मेरी question उसमें क्या होता है कि उनको एक स्पेसिफिक ब्रांड ही चाहिए उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए जैसे कि HP का लैपटॉप चाहिए और उसका आईटेल ब्रांड ही चाहिए तो उनका परमिशन लेके वो ब्रांड के लिए पर्टिकुलर ऑर्डर प्लेस करते हैं उसको बोलते हैं PSC बाय मैं और थोड़ा सा ऐड करता हूँ 5 मिनट में बिडिंग होता है ये जो गवर्नमेंट का बिडिंग है ना इट्स बेस्ड ऑन इक्वल परफॉर्मेंस टेक्निकल परफॉर्मेंस सेम होना चाहिए यानी क्वालिटी सेम होना चाहिए सो मैंने जो पैरामीटर इतना अच्छे से डिजाइन किया है स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है सो गवर्नमेंट बाइंग में कभी भी ब्रांडेड जो आइटम है ना उसका कभी भी नाम नहीं होता है आई कांट परचेज अ टाटा व्हीकल और ये व्हीकल ऐसा नहीं होता है आई हैव टू गिव ओनली द स्पेसिफिकेशन अभी ऐसा है कि मैं गोदरेज का टेबल अभी कभी कभी भी नहीं लिखता आई हैव टू राइट गोदरेज एक मिनट बट कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि दे रिक्वायर अ स्पेसिफिक ब्रांड वही आइटम होना चाहिए लाइक एप्पल का आईपैड है एंड दिस वॉज अप्रूव्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एट सेक्रेटरियट लेवल क्या कोई स्पेशलाइज प्रोजेक्ट है उसके लिए वही वही यानी प्रोडक्ट चाहिए वो ब्रांड का ही चलेगा देन दिस टाइप ऑफ प्रोक्योरमेंट अलाउड अदरवाइज इट इज अ बिडिंग पूल उसमें भी सब लोग प्रेजेंट रहेंगे तो वी कैन आस्क क्वेश्चन ऑफलाइन ऑल्सो करके दो मायने लोग निखिल पाटिल वहाँ पे नाम डालो एज ए ट्रेनर निखिल पाटिल और फीडबैक फॉर्म फिलअप करके मेरे को रिटर्न कर दो प्लीज हम बोलते हैं कि ब्रांड स्पेसिफाई नहीं कर सकते अगर ऐसा कोई करता है और आपको गलत लगता है तो यू ऑलवेज राइट टू दिस इज नॉट प्रॉपर ब्रांड इज नॉट कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो ही स्पेसिफाई करना चाहिए अभी बाकी सप्लायर इमीडिएटली कंप्लेंट होता है नहीं सुनते गवर्नमेंट तो हाईकोर्ट में जाते अभी रेमंड का किसी ने ऑर्डर किया था एक कॉर्पोरेशन ने रेमंड का क्लॉज चाहिए इमीडिएटली हाईकोर्ट मैटर गया देन देयर इज अ स्टे यू कांट राइट रेमंड एज अ ब्रांड नेम Okay, friends, on behalf of Vidarbha Industrial Association, I thank Sadashiv Surveti ji from Mumbai and Dharmadhikari ji, our own Dharmadhikari ji and Nikhil Patel ji for sparing their valuable time coming all the way from Mumbai to guide us on this very important government e-marketplace.
और धर्माधिकारी जी भारती जी तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बैठते हैं, तो आपको कभी कुछ रहे तो उनका मेरे ख्याल से वहाँ स्टाफ भी है, सब कुछ है, तो दे विल ऑफ कोर्स हेल्प। तो कभी आपकी और कुछ क्वेरीज है तो इसी हॉल के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे उनका ऑफिस है, तो आप यू आर ऑलवेज वेलकम देयर एंड आई थिंक